अरे प्लीज नहीं, देखिए तो अपनी पोती को कहाँ लेकर जाऊंगी मैं इसे। इस मनुष्य को मेरे माथे मत मंडो, मुझे नहीं पता ये पोती होती। इतने सालों में तुम वारिस नहीं दे पाई, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी नई बहू और बेटे आ रहे, मैं नहीं चाहती कि उनके आने से पहले माहौल खराब हो। मम्मी भैया आ गए, नई भाभी को लेके देखो। मेरी बच्ची, बस हमें हमारी बच्ची दे दीजिए। ये इतना सुंदर रूप, ये इतना अच्छा शरीर, इससे तो कुछ काम निकालना ही होगा ना, बात मानेगी ना? नहीं अब नहीं। बहू जी। पिताजी न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर एक मिनट, ये लीजिए न्यूज़पेपर। यहाँ रखा करो। मनीषा, मनीषा आई, बोलो क्या हुआ? यार मेरा फोन और वॉलेट कहाँ है, मिल नहीं रहा। ये लो। भाभी, भाभी आई, एक मिनट, क्या हुआ देवर जी? अरे भाभी मेरा चार्जर देखा क्या? सुबह से मिल नहीं रहा है। वो आपका चार्जर, हाँ आपने डाइनिंग टेबल पे रखा था ना, मैंने रखा है, एक मिनट देती हूँ, एक मिनट। ये लीजिए देवर जी। अरे मनीषा। हाँ माँ जी। कल तक नाश्ता लेके आओगे क्या? सबको देर हो रही है भाई। बस दो मिनट माँ जी, अभी लाई। क्या दो मिनट? वेद, भंडार से लाकर सामान भर लेना, लेडीज परफ्यूम का स्टॉक खत्म हो गया। अरे भैया मुझे पता है क्या लाना है क्या नहीं लाना है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी सब्जी लीजिए ना। भाभी थोड़ा अचार दो ना। हाँ एक मिनट। बहू, मेरा टिफिन रेडी करो। हाँ, लेट हो रहा है मुझे। बहू अब कितना ठूसेगी कल मुही? आधे घंटे में बाबा जी के पास जाना है, चल उठ जल्दी से तैयार हो जा। तुझे क्या पता बाबा जी बहुत नामी हैं, और तो और कितनी मुश्किल से उन्हें राजी किया है। खैर तुम क्या समझोगी, चल जल्दी से तैयार हो जा। घबराने की कोई बात नहीं है, आज रात पति के पास वापस जाने से पहले ये यंत्र ग्रहण कर लीजिएगा, और हाँ ये आपको कुछ जड़ी बूटी प्रदान करेंगी उसे ग्रहण कर लीजिएगा, और जो भभूति देंगी उसे सर पे लगा लीजिएगा, फल जरूर मिलेगा। अगर इसके बाद भी कोई फल नहीं मिला तो इन्हें हमारे पास छोड़ जाइएगा, हम इनका विस्तार से जांच करेंगे।
करेगा क्या? मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं। भाग गया से भिखारी कहीं का, इतना सस्ता समझा है इसे 500 रुपए। लगता है आज की रात सूखी बीतेगी। शिव शिव शिव, कैसे लोग आ जाते हैं। अरे आंटी परेशान मत होइए, मैं सिर्फ आदमियों को खाती हूँ। तुम्हारी जैसी कुल्टा को तो ना माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए। फौरन यहाँ से निकल, वरना पुलिस को बुलाऊंगी और अंदर करवा दूंगी। भड़कती काय को है, वैसे भी तेरे मोहल्ले के सारे आदमी ठंडे पड़े हैं। यानी कैसी बेशरम औरतें आ जाती हैं। आजकल की लड़कियों को तो ना कुछ आता भी नहीं है। मुझे मत देखो, लिपस्टिक भी लगाओ गाड़ी, थोड़ा सजना सवरना सीखो। एक मिनट, पर ये क्या पल्लू क्यों ढका हुआ है? हटाओ इसको। और ये नीचे करो इसको। पति को रिझाना सीखो, समझी तुम? मर्दों को उकसाना पड़ता है, देख कर ही तो उनका मन करेगा, तभी तो कुछ होगा। ये जो तामझाम है ना, ये तुम्हारे लिए किया है, तुम भी कुछ कर लो। इसके साथ जड़ी बूटी पियो, कटक लो, मुंह मत बनाओ, पियो। ये लड़कियां ये तो मेरी जान लेके रहती है। तुमसे तो कुछ होगा नहीं। हे बाबा, अब आप पे ही भरोसा है, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। आ गए आप?
माफ कीजिएगा भाभी जी, कंट्रोल ही नहीं हुआ। देवर जी क्या कर रहे हैं आप, होश में आइए। अरे भाभी घर माँ कह रही है, हम तो तुम्हारा ही भला सोच रहे हैं। निकलिए हमारे कमरे से। अरे जो भैया इतने दिनों में नहीं कर पाए हम कर देते हैं ना। माँ कसम भाभी जी एक चांस देके देखो, 5 साल की कमी एक ही दिन में पूरी कर देंगे। देवर जी हम चिल्ला देंगे, हम सच कह रहे हैं देवर जी। नहीं देवर जी प्लीज बाहर निकलिए। भैया के बिना टाइमिंग बहुत खराब है। कोई बात नहीं फिर कभी। क्या हुआ? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ विनय, कुछ नहीं हुआ। ठीक है पीछे हटो। विनय क्या कर रही हो? आज नहीं छोड़ेंगे हम आपको। लगता है तुमने भांग पी लिया। पीछे हटो मनीषा। ये भी तो बहुत जरूरी है ना, प्लीज समझो ना। आज मना मत करिए। सुनो ना विनय, प्लीज आज मना मत करो, आज तो बहुत जरूरी है। आप लोग लीजिए ना कुछ खाइए। नहीं नहीं लीजिए, प्लीज लीजिए। लीजिए। हमें तो लड़की बहुत पसंद है। तो लेन देन की बात कर लीजिए। अरे लेने देने की क्या बात करनी है, आपके जो जी में आए दे दीजिएगा, आपकी लड़की के ही तो काम आएगा। और फिर हम भी नहीं चाहते कि शादी में बहुत हो हल्ला हो, हम तो चाहते हैं कि सीधे साधे कोर्ट मैरिज हो जाए। बहुत बढ़िया, मैं कल ही रजिस्ट्रार से बात करता हूँ और डेट फिक्स करवाता हूँ शादी की। चलिए चलते हैं हम। और देवर जी लड़की कैसी लगी? आपको क्या लगा, यहाँ हमारे रिश्ते की बात चल रही है? यहाँ तो आपकी सौतन लाने की तैयारी की जा रही है। क्या मम्मी जी, ये लोग कौन थे और किसके रिश्ते के लिए आए थे बताइए ना। देवर जी के ना पिताजी, आप बताइए ना कौन थे ये लोग, किसके रिश्ते के लिए आए थे? ए जी आप तो बताइए ना कौन थे ये लोग। देवर जी कह रहे थे आपके रिश्ते के लिए आए थे, बताइए ना किसके रिश्ते के लिए आए थे, बताइए ना। ये रो धो के कलेश करने की जरूरत नहीं है, तुम क्या चाहती हो? पूरी जिंदगी हम इंतजार करते रहे पोते के लिए, तुम तो अपने पति को बेटे का सुख दे नहीं पाई। एक आखिरी उम्मीद थी बाबा जी, उनकी जड़ी बूटी तक काम नहीं आई, तो अब हम क्या करें? हाँ चले जाओ यहाँ से। माँ जी हम ट्राई कर लेंगे ना फिर से, एक और मौका दे दो माँ जी। कोई मौका वौका नहीं, शादी तक दूसरा ठिकाना ढूंढ लो और चली जाओ यहाँ से। माँ जी ऐसे मत करिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है माँ जी, प्लीज ऐसा मत करो माँ जी, मैं किसी भी कोने में रह लूंगी,
प्लीज मुझे घर से मत निकालिए माँ जी। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, बहुत खुश हूं। आज बहुत शुभ दिन है, सबका मुंह तो मीठा कराओ। अरे हाँ, यू गई है आओ, भाई। आओ भाई। नहीं, बधाई हो बेटा, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मम्मी जी, उठ गई बेटा? ऐसे मत करिए मेरे साथ, तू भी मुंह मीठा कर। घबराने की कोई बात नहीं, खुशी की बात है, तुम माँ बनने वाली हो और हम बाप। हाँ मनीषा, मैं माँ बनने वाली हूँ और हम बाप। तुमने आज सबको खुश कर दिया बेटा। हाँ, जीती रहो। क्या हुआ, मम्मा को पहचान गई? तुम्हें भगवान ने हमारे लिए भेजा है, तुम्हें हम बहुत प्यार करेंगे बेटा। लकी हो आप, डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। अभी कुछ देर में आपके पेपर्स रेडी हो जाएंगे, फिर आप अपने घर लौट सकते हो। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, एक महीने तक कायदे से लेना है और बच्ची को 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाना, बाहर का कुछ भी नहीं। मेरे घर वाले कहाँ हैं? उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे क्या? एक काम करिए ना, मेरे पति को बुला दीजिए, दवाइयाँ भी वही ला देंगे, और मैं ना आज उनके साथ ही चली जाऊँगी। आप अपने मायके वालों को बुला सकती हैं क्या आपको लेने के लिए? मायके वालों को? नहीं माँ जी, माँ जी नहीं, माँ जी प्लीज नहीं, समझिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बला से चूल्हे में जाओ और दफा हो जाए यहाँ से। माँ जी देखिए तो अपनी पोती को, कहाँ लेकर जाऊंगी मैं इसे? इस मनुष्य को मेरे माथे मत मंडो, मुझे नहीं पता ये पोती होती, इतने सालों में तुम वारिस नहीं दे पाई, दफा हो जाओ यहाँ से। माँ जी प्लीज समझिए ना, देवर जी आप तो कहिए ना माँ जी को, मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्ची को लेके? हम क्यों बोले, जब तुमने हमारी नहीं सुनी तो हम क्यों तुम्हारी सुने? ऐसे मत करिए देवर जी। सुनो, मेरी नई बहू और बेटे आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उनके आने से पहले माहौल खराब हो, समझी? अरे मम्मी, मम्मी भैया आ गए, नई भाभी को लेके देखो। चल आरती की थाली लेके आते हैं। शरीफ, घर की औरतें आधी रात को सड़क पर क्यों घूम रही है? अरे क्या हुआ तुझे, कहाँ जा रही इस टाइम पे, और तेरी वो खड़ूस सास किधर है, बहरी है क्या?
अरे अब इस बला का मैं क्या करूं? अरे तू ये क्या कर रही है? कोई ग्राहक नहीं मिला क्या? बाहर मैडम के पास। मैडम कौन सी मैडम है? कहाँ गई मैं? अरे मेरी राजकुमारी और मेरी राजदुलारी, क्यों रो रही है? मैडम से डर गई लगती है। ये हमारी बच्ची है, हमें लौटा दीजिए। हाँ दे दूंगी, क्यों चिल्ला रही है? देखिए वो रो रही है, उसे भूख लगी होगी। दीजिए मुझे, दीजिए। दे दोगे? क्यों मारी जा रही है? बदरे ये ले। दे दूंगी। प्लीज बच्चा दे दीजिए, मुझे घर के लिए निकलना है। क्या बोली? ये निकलना है? कौन से घर के लिए निकलना है? कहाँ जाएगी तू? हमने सब पता कर दिया है। वो तेरा पति है ना, उसने दूसरी शादी कर ली है, समझी? घर चली। वो सब हम देख लेंगे, बस आप हमें हमारा बच्चा दीजिए। बच्चा दीजिए। बच्चा चाहिए तुझे? हाँ। तुझे हमारा काम करना पड़ेगा। काम? हाँ काम करना पड़ेगा। वैसे भी इस बच्चे को लेके तू कहाँ भटकती फिरेगी? अकेली? अरे यहाँ रहेगी ना तो पैसा मिलेगा, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब मिल जाएगा, और ऊपर से कमाई अलग। सना इसको काम सिखा दे। जी, हम नहीं करने वाले ये सब। प्लीज बस हमें हमारी बच्ची दे दे। तुझे इज्जत हजम नहीं होती क्या? बिल्कुल हजम नहीं होती है ना? अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी ना तो इस बच्चे का मुंह तेरी जिंदगी में नहीं देखेगी। ये इतना सुंदर रूप, ये इतना अच्छा शरीर, इससे तो कुछ काम निकालना ही होगा ना? वो बात मानेगी ना? नहीं वो नहीं। ना नकुर करेगी ना तो यहाँ जिंदा गाड़ी जाएगी, समझी? ये चुपचाप काम कर। करेगी ना? नहीं हम कुछ नहीं करेंगे। करेगी क्या? नहीं नहीं, बस मुझे मेरा बच्चा दे। नहीं कुछ मत करिए मेरे बच्चे को। नहीं नहीं, अब जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मेरे बच्चे को कुछ नहीं करिए। सना लेके जा इसे और काम सिखा दे। तू चल, कोई कुछ नहीं करेगा तेरे बच्चे। चल मेरी बच्ची, तू अब चल मेरे साथ। देख माना कि मैडम थोड़ी सख्त है, लेकिन वो गलत भी तो नहीं बोल रही है ना। तू बाहर कहाँ जाएगी? इधर तेरे को छत मिलेगी, खाना मिलेगा, और तू कमा के देने लगेगी ना तो मैडम तेरे बच्चे को पढ़ा लिखा भी देगी। कोई कुछ नहीं करेगा तेरे बच्ची का। वो अपन के जैस्मिन की बेटी को ना मैडम ही पढ़ाती लिखाती है। मैं जानती हूँ ना, बाहर एक से बढ़कर एक कुत्ता फिरता है। कोई कुछ कर देगा तो क्या करेगी? बता, थोड़ी देर वेट कर, घबराना मत। एक दो बार अजीब लगता है, बाद में आदत पड़ जाती है।
नमस्कार, मैं रवि किशन आपका क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे एक तरफ जहां ये नया भारत चांद के दुर्गम हिस्से तक पहुंचने का जश्न मना रहा है, पूरे विश्व में भारत की चर्चा है इस नए भारत की, आज भी कुछ लोगों की सोच कितनी पिछड़ी हुई है। आज भी समाज के कई हिस्सों में महिलाओं पर लड़का पैदा करने का दबाव डाला जाता है। सोचिए ये केस एक ऐसी ही रूढ़िवादी सोच और उससे होने वाले नुकसान पर रोशनी डालता है, जहां पर एक महिला जिसने अपने ससुराल को सच्चे दिल से प्यार किया, मन से सबकी सेवा की, उन्हीं की वजह से आज उसे इस डरावनी सच्चाई को झेलना पड़ रहा है। और बेशर्मी तो देखो कि मनीषा ने बेटा नहीं बेटी को जन्म दिया तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। देखते हैं मनीषा की जिंदगी अब कौन सा मोड़ लेती। नहीं 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 नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। आप हमारी मदद कीजिए ना। हम शादीशुदा हैं पर हमारी एक छोटी सी बच्ची भी है। आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कीजिए ना। आप ना मेरे पति को बुला दीजिए। इन लोगों ने मेरी बच्ची को कैद कर ली। आप एक काम करिए, अपना पुलिस को बुला दीजिए और आप मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद कर दीजिए। करेंगे ना मेरी मदद? मैं ना आपको नंबर देती हूँ, 9863054। शी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? हो गया तेरा मचमच? साले नौटंकी करती है। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। पत्री है? अरे किस पगलेट को थमा रखा है तूने? हाँ, दांत काटती है साली। अगर एक ढंग की लड़की नहीं दिला सकता ना, चला पैसे वापस ला। अरे सर जी, लड़की नहीं है इसलिए थोड़ा नखरा दिखा रही है। आप रुको ना। रुक जाओ। क्या रुको? हाँ, पूरी माँ बहन एक कर दी बूट की। पुलिस इंस्पेक्टर को ही बोलती है, पुलिस बुला दो। बद्री, उसे बाहर लेके आ और साथ में उसकी बच्ची को भी लेके आ। उसको 2-3 थप्पड़ पड़ेंगे ना, तब जाके ये तिल मिल आएगी। जा जल्दी। जी। सर जी आइए, बैठ जाइए। सर जी दिमाग शांत शांत कीजिए, दिमाग बैठिए। ठंडा लेके आओ, ठंडा मंगाओ। रहने दो। मेरी बच्ची मुझे दीजिए। मेरी बच्ची दे दो ना, मुझे दो ना मेरी बच्ची। मैडम जी, मेरी बच्ची मुझे दे दो। देखो ना, वो रो रही है। नहीं है ना, इसलिए तेरे नखरे झेल रहे थे। लेकिन हमारी इज्जत कस्टमर लोगों के सामने खराब होने लगी है, समझी ना तू? इसलिए अभी के अभी कायदे में आ जा, वरना तेरी इस बच्ची को एक बूंद दूध भी नसीब नहीं होगी। नहीं करना मुझे ये सब। आप मुझे मेरी बच्ची दो, बस मेरी बच्ची दो मुझे। बद्री, दो मेरी बच्ची मुझे। नहीं मानेगी ना तो हम इसे खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, मेरी बच्ची, कुछ मत करना उसे, कुछ मत करना मेरी बच्ची को। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, मेरी बच्ची को कुछ मत करना। Thank you.
तू ना अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगी। ले, आना जाना कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता वो तेरी मदद करेगा। नहीं, हम जानते हैं वो हमारी मदद जरूर करेंगे, हमारे लिए तो, हमारी बच्ची के लिए तो जरूर ही करेंगे। कोई इतना पत्थर दिल तो नहीं हो सकता ना, जब हम अपनी हालत बताएंगे ना तो वो जरूर आएंगे हमें बचाने के लिए। हाँ जी, इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? हेलो, कौन? विनय, हम बोल रहे हैं मनीषा, हम ना बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं विनय, हमें बचा लीजिए। इन लोग हमसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, हमारी बच्ची को कैद कर लिया है। विनय आप प्लीज आइए ना, हमें बचाइए यहाँ से। क्यों इतनी रात को हमारे पति को फोन कर रही हो? अब इनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पता था आजकल के स्कूल के चोसले, हमारे टाइम पे तो सलवार कमीज ही चल जाता था। हाला। लगता है ये आ गई। हाँ। अरे मेरी बेबी आ गई, मैं क्लास में सेकंड आई। अरे वाह, मेरी बेबी क्लास में सेकंड आई। अरे वाह, शाबाश, दिल खुश कर दिया तुमने। नाचो, खुशी की तो बात है। अरे छुटंकी, तू तो खूब बढ़िया नाचती है। मैडम दादी, छुटंकी छुटंकी क्यों बोलती रहती हो? अब मैं बड़ी हो गई हूँ। I'm 12 years old. हाँ सचमुच, तू तो बहुत बड़ी हो गई है। बद्री, मिठाई खिला। बहुत अच्छा डांस किया तुमने, ये लो खाओ रसगुल्ला। क्या बकवास कर रही है तू भी? अपनी बेबी दादी बुलाती है मैडम को,
मैडम ऐसा सोचेगी भी नहीं, अपनी गोदी में खिलाई है। तुमने ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से मैडम बेबी को देख रही थी? हमें पता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बद्री, क्या पटाखा बनके तैयार हुई है ये चुटंकी। पहली बार गोद में लिया था ना, तभी मैं समझ गई थी इतने साल इंतजार किया है। 12 साल की लागत यूं वसूल कर लूंगी। जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे इस दलदल में नहीं फंसने देंगे। बद्रे, कस्टमर ढूंढना शुरू कर, पहली बार है तो रेट स्पेशल लगेगा। हमने ये सब इसके लिए किया ताकि हम उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। हम उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। अपन क्या ही कर सकते, अगर मैडम ने ऐसा सोच लिया है तो काट डालूंगी मैं वो हाथ जो मेरी बेटी के आगे भी आया तो मर जाऊंगी, पर वो उसे इस धंधे में नहीं आने दूंगी मैं। आश्चर्य होता है एक माँ के साहस को देखकर। मनीषा बेटी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, सिर्फ उसी के खातिर वो वहां पहुंच गई जहां जाने का उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो भी दूसरी माँ की तरह अपनी बच्ची को एक अच्छा भविष्य देना चाहती थी, सुरक्षित भविष्य, उसे पढ़ाना चाहती थी, एक दिन वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसके लिए वो एक पत्नी से एक बेबस मजबूर, जैसा कि आपने देखा कि उस रास्ते पर वो निकल गई। क्या मनीषा अपनी बेटी को उस दलदल से बचा पाएगी जिस दलदल में वो खुद मजबूरन फंस चुकी थी? देखते हैं कौन सा मोड़ लेती है एक बेबस मजबूर औरत की कहानी। भैया जी, एकदम फ्रेश माल है तो कीमत तो ज्यादा होगी, एकदम कड़क वेटिंग लगी हुई है इसके लिए। वो तो आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, इसके लिए पहले आपसे पूछ रहे हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बिल्कुल चकाचक करके भेज, समझा? ए, रुक, कहाँ जा रही है? बस बस 10 मिनट में आई। कहाँ जा रही है तू? वो इसको देर हो गया ना बेबी को, तो मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज अचानक स्कूल? पहले तो कभी नहीं गई, फिर आज क्यों जा रही है? बेबी क्लास में सेकंड आई ना, तो सोचा टीचर को मिठाई दे दूँ। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आ, आज शाम को स्पेशल प्रोग्राम रखा है, उसकी बहुत सारी तैयारियां करनी है और उस तैयारी में तुझे भी मदद करनी, समझी? जा जल्दी। क्या बात है, ये तेरी सिट्टी पिट्टी क्यों घूम रही है? हाँ क्या हो गया? मेरे पीठ के पीछे क्या चल रहा है तुम दोनों का, बता। अरे बता ना, अरे बता क्या चल रहा है, जान से मार दोगी, समझे तू? माँ ये कहाँ ले जा रही हो, स्कूल तो उल्टी तरफ है। बाद में बताऊंगी, अभी चलो जल्दी से। नहीं मुझे स्कूल जाना है, आज तीनों टॉपर्स का प्राइज मिलेगा, मुझे भी लेना है। मैं जो बोल रही हूँ ना पहले वो करो, चलो जल्दी से यहाँ से। चुपचाप कर क्यों? बेटा तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो, यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, हम नहीं रुक सकते यहाँ पे। आप क्यों नहीं बता सकते? ज्यादा बहस मत करो, जो कह रहे हैं वो करो, चलो जल्दी। मुझे स्कूल जाना है, मैडम दादी ने कहा था उन्होंने मेरे लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा है, मुझे उसमें भी जाना है। चुप, एक लपड़ लगाएंगे अभी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ?
बेटा हम तुम्हारे देखो तो कैसे दिख रही है। हाय अप्सरा दिख रही है, नजर ना लगे तुझे। हाँ मेरी माँ कहाँ है? छोड़ तेरी माँ को, तेरी माँ को तो अकल ही नहीं, तुझे हमसे दूर कर रही है। हम तो तेरे अपने हैं ना, हम तो तेरी भलाई चाहेंगे ना। क्यों आप ये सब क्यों कर रही हो? आज क्या स्पेशल है? अरे थोड़ा धीरज रख, सब बताऊंगी। लेकिन तू मुझे पहले ये बता कि तू उस दिन जैसा फटैक डांस करेगी ना। हाँ बता। अरे ये देख तेरी सना खाला भी आ गई। हाँ वो भी नाचेगी। हाँ क्यों सना, देख तो कैसी परी जैसी लग रही है। हाँ मुझे मेरे माँ के पास जाना है। हाँ हाँ हमारी बात मानेंगी तो माँ के पास जाने देंगे। क्यों सना? साहब 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 वो मेरी बच्ची मैडम जी भेज देगी। क्या कह रही है, आराम से बोल। साहब वो मैडम जी मेरी बच्ची को भेज देगी, आप कुछ करिए, बचा लीजिए मेरी बच्ची को। साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए। तुम जैसी औरतें पहले इस पैसे में आती हैं और फिर रोती हैं, जब ऐसी जगह रहोगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? माल तो एकदम फ्रेश है, अरे दिल खुश हो जाएगा आपका। अब कितना तड़पाएंगे, बुलाइए उसे। जा लेके। अरे लीजिए लीजिए। वो अच्छा वाला डांस करके दिखा सर जी के सामने, कर दे फटाफट। मैडम दादी माँ किधर है? मुझे उनके पास जाना है, कहाँ है वो? अरे माँ का क्या करना है? हाँ तू नाच, ऐसा नाच बता कि तू जो मांगेगी ना वो मैं दे दूंगी। चल शुरू हो जा बद्री, जा छटाक म्यूजिक लगा। नहीं मैं नहीं नाचूंगी, मुझे माँ के पास जाना है। चुपचाप नाच, सुन रही है ना, मेरी नाक मत कटवा यहाँ। नहीं मैं नहीं नाचूंगी। मैंने क्या कहा? तू नाच, सुनाई नहीं देता तुझे? जैसी माँ वैसी बेटी, चुपचाप नाच। नाचती है कि नहीं? नहीं मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचेगी? हाँ नहीं नाचेगी, मैं तुझे तेरी औकात बता दिया हूं। माँ। मैडम को मारा तूने? नहीं छोड़ोगे तुझे बद्री? तेरी माँ को छोड़ दूँ? मुझे मारा उसने।
मेरे मेरे बच्चे सबको पुलिस स्टेशन ले चलो और ये जगह सील करो। मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तू चिंता मत कर, अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। तो देखा आपने कैसे मनीषा की साहस की वजह से मैडम और उनकी पूरी सेक्स रैकेट एक्सपोज हुई। दांत तो देनी पड़ेगी मनीषा जैसी महिलाओं को, जो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है। अपनी बेटी को अपनी तरह बेबस नहीं बनाया उसने, मजबूर नहीं किया, बचा लिया। भले उसके लिए उसको खुद जेल जाना मंजूर कर लिया ताकि उसकी बेटी को एक बेहतर कल मिल सके। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।